हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। आज की वीडियो मस्ट वॉच होने वाली है उन सभी लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, फिर शादी आने वाली है, या फिर आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में किसी की वेडिंग हो। बिकॉज किसी की वेडिंग हो, आई थिंक मेकअप तो हमें चाहिए ही होता है। आज मैं बात करने वाली हूँ अ प्रॉपर मेकअप किट फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन। अब मुझे पता है मेरी ऑडियंस में काफी सारी लड़कियां हैं जिनकी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है। मेरी भी वही स्किन टाइप है, मैंने खुद पर्सनली वो यूज किया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए हो मेकअप के बड़े से वर्ल्ड में, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑल्सो देयर इज अ कैच हियर, मैं आपको हर एक स्टेप में दो प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने वाली हूँ। एक होगा सुपर सुपर अफोर्डेबल लाइक स्विस ब्यूटी, मार्स, इनसाइड, और एक होगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइक मिलानी, मेबलिन, लैक्मे, जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। हाई एंड की बात हम बिल्कुल नहीं करने वाले, ये किट एनी हाउ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाली है मेरी डिजिटल ऑडियंस के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहेगी। उससे पहले आपको पता है आपको क्या हिट करना है, सब्सक्राइब बटन पर हिट करना है, बेल आइकन पर हिट करना है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसी मेकअप लुक का स्टेप नंबर वन होता है प्राइमर। इससे पहले आप सीरम, मॉइस्चराइजर जो यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। मैं आपको स्किन केयर इस वीडियो में नहीं रेकमेंड करने वाली। सो प्राइमर के लिए मेरे पास है दो ऑप्शन। सबसे पहले है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर, लव इट, बहुत अच्छा है प्राइमर है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं तो इसको भी अफोर्डेबल ही बोलूंगी जब नायका की सेल आती है। इनफैक्ट अभी भी नायका की दिवाली सेल चल रही है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी डील पर मिलेंगे। सो ये जो प्राइमर है ना, ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो ऑयली वाले सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आते हैं। इसका टेक्सचर वैसा नहीं है, इसका एक क्रीमी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर आप देख सकते हो। और जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास पीआर में आया था ना, आई वाज लाइक नहीं यार, ये मेरी ऑयली स्किन पर तो नहीं सूट करेगा। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा है स्किन में, इतना स्मूथली चला जाता है, स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, एट द सेम टाइम स्किन को इतना मैटिफाइंग भी नहीं करता। सुपर अफोर्डेबल में अगर मैं बात करूं, आई लव ब्लू हेवन का ये प्राइमर। ये ब्लू हेवन का परफेक्ट मेकअप बेस्ड स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर, और ये है प्रॉपर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, लाइक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो सिलिकॉन वाले प्राइमर आते हैं ना, इसका बिल्कुल वैसा टेक्सचर है। ये भी काफी अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्सचर के इश्यूज हैं, आपके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, देन डेफिनेटली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आपके लिए परफेक्ट है। स्टेप नंबर टू होता है कलर करेक्शन। अब अगर आप डायरेक्टली प्राइमर के बाद फाउंडेशन यूज कर लोगे ना, तो आपका काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने की रेडनेस होती है, एक्ने के मार्क्स होते हैं जो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, तो एक फाउंडेशन का शेड उसको नहीं ठीक कर सकता, तो आपको कलर करेक्शन करनी होती है। बेसिकली मेरा फेवरेट कलर करेक्टर जो होता है, वो होता है ऑरेंज टोन का करेक्टर। मैं कभी कभी ग्रीन करेक्टर भी यूज कर लेती हूँ, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही आता है, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी। वो एक्ने की रेडनेस के लिए काफी अच्छा है। अगर आप गोरे हो बहुत ज्यादा, आपको एक्ने की रेडनेस बहुत ज्यादा, आपकी स्किन रेड रहती है, तो डेफिनेटली आप ये ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हो। अदरवाइज मेरी जैसी स्किन के ऊपर जहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने के मार्क्स हैं, मेरे लिए ऑरेंज करेक्टर सबसे अच्छा है। और मेरे पास अगेन दो ऑप्शन है। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, मेरे पास ये क्रायलॉन का सुप्रा कलर, आई थिंक इसको यही कुछ कलर करेक्टर बोलते हैं। अब अगर आप इसको ऑनलाइन लोगे ना, तो आपको इसका पूरा पैलेट लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑनलाइन आपको खाली एक ये छोटी सी डब्बी नहीं मिलेगी। लेकिन आप किसी भी ऑफलाइन शॉप में जाओगे, क्रायलॉन के स्टोर्स में जाओगे, काफी सारे डेली में आप अपने स्टेट में सर्च कर सकते हो, आप स्टोर में भी जा सकते हो। तो मैं ये पर्टिकुलर वाला कलर करेक्टर यूज करती हूँ, इसका शेड है 303, एंड ओ माई गॉड, ये एकदम गेम चेंजिंग था मेरे मेकअप लुक के अंदर। अभी रिसेंटली मैंने अपने सितंबर फेवरेट्स में भी ये फीचर किया था, फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करी थी मैंने, इसी से कलर करेक्टिंग करी थी, और इसी की वजह से मेरा बेस एकदम अलग लेवल पे निकल के आया था, बिकॉज इसने मेरे मेजर डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन को, एक्ने मार्क्स को अच्छे से हाइड कर दिया था, और मुझे इसके बाद ना फाउंडेशन भरने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो ये 303 शेड है क्रायलॉन का। अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैंने ऑफलाइन शॉप से लिया था, थोड़ा बहुत बार्गेन कर लिया था, तो उन्होंने मुझे 250 का दिया था। वैसे 300-350 का भी आपको क्रायलॉन स्टोर्स में मिलता है, लेकिन इसका एकदम सस्ता ऑप्शन है ये इनसाइड का मेकअप एसेंशियल, ऐसा ही कुछ करेक्टर आता है। मेरे पास शेड है NC1 पोर्सिलिन, इसका थोड़ा सा कंसीलर वाला शेड है, मैं एकदम करेक्टर वाला शेड नहीं बोलूंगी। जो ये क्रायलॉन का है ना, इसका हल्का सा ऑरेंज टोन आता है, कैन यू सी, एक ऑरेंज टोन आ रहा है, इसका कंसीलर वाला टोन आता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी का इनसाइड का एक ऑरेंज टोन भी ले सकते हो, मैं रिकमेंड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज ये सस्ता है लेकिन एट द सेम टाइम काफी अच्छा, एकदम कंपैरेटिवली ये वर्क करता है। ऑब्वियसली आई थिंक क्रायलॉन को किसी से भी कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, बिकॉज क्रायलॉन लिटरली ब्राइडल जो टीवी आर्टिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। इनसाइड थोड़ा सा चीपर है, लेकिन फिर भी आपको सस्ते में आपका काम भी अच्छे से कर देता है। कलर करेक्शन के बाद हमारा फेस कहीं ना कहीं इवन अप हो जाता है, बिकॉज जो एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन है, वो थोड़ी बहुत दब जाती है। अब आप आ सकते हो सीधा अपने फाउंडेशन के ऊपर। अब फाउंडेशन के लिए जब मैं सर्च कर रही थी ना अपने पास से, मुझे कोई बिल्कुल अफोर्डेबल में अच्छा फाउंडेशन नहीं मिला। ट्रस्ट मी, मैंने इनसाइड का, मार्क्स का फाउंडेशन भी ट्राई किया, मुझे वो नहीं अच्छे लगे। और फाउंडेशन एक ऐसी चीज है जो पूरी आपके फेस के ऊपर आती है,
जाती है और आप थोड़े से पैसे और लगा के अच्छा ले लोगे तो बेटर रहेगा। सो इसलिए मैं आपको अफोर्डेबल में कंसिडर करने वाली हूँ ये मेबलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन। आई नो इसका प्राइस है 750 रुपीज, लेकिन नायका की जब भी सेल लगती है ना ये बहुत अच्छे ऑफर में अवेलेबल होता है। एमेजॉन की सेल में भी बहुत अच्छे ऑफर में अवेलेबल होता है, 30-40% ऑफ आपको मिल जाता है। तो अगर 500-550 की रेंज में आपको मेबलिन का इतना अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है ना तो आपको बिल्कुल सस्ते वाले मत कंसिडर करना, ट्रस्ट मी ये काफी अच्छा है उससे। सो ये मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन, मैं शेड यूज करती हूँ 128 वार्म न्यूड, हल्का सा लाइट है मेरी स्किन के लिए। बट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, क्या होता है ना जब भी आप फाउंडेशन एग्जैक्टली अपनी स्किन शेड का ले लेते हो वो थोड़ी बहुत ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर आप कहते हो मेरा मेकअप काला क्यों लग रहा है, मेरे को पसीने आए, मेरा मेकअप काला हो गया। बिकॉज आपका फाउंडेशन कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो गया, उसका थोड़ा सा शेड डार्क हो गया। तो हमेशा फाउंडेशन एक शेड लाइट लिया करो, ये सेफ रहता है आपके पूरे मेकअप लुक के लिए। अगर आप ऑफलाइन लेने वाले हो ना तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आप किसी मॉल या शॉप में जाओ, उसको स्वॉच कर लो हाथ के ऊपर या फिर नेकलाइन के ऊपर और थोड़ी देर छोड़ दो, 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दो। आप इधर उधर घूम सकते हो, वेट कर सकते हो, आप देखो कि उसमें चेंज आया नहीं आया। अगर उसमें हल्का सा चेंज आता है तब जाकर डिसाइड करो आपको कौन सा शेड लेना चाहिए। इट्स द बेस्ट फाउंडेशन अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, फुल कवरेज है, बहुत अच्छी कवरेज देता है, एक्ने मार्क्स जो भी आपकी पिगमेंटेशन होती है उसको हाइड कर देता है। एट द सेम टाइम ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी स्किन ओवर स्वेट नहीं होती, पसीने नहीं आते, इसकी वजह से मुझे कॉमेडॉन्स के इशू नहीं होते। बिकॉज मैंने अभी आपको कहा था बिल्कुल अगर आप सस्ते वाले फाउंडेशन लगाओगे ना देयर इज अ चांस आपको दाने निकल सकते हैं, कॉमेडॉन्स हो सकते हैं। अगेन एक्ने प्रोन स्किन है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना हमें, तो उस सेंस में काफी अच्छा है। अब आ जाते हैं थोड़े से हाई एंड के ऊपर, बिकॉज इसको मैंने अफोर्डेबल साइड में कंसिडर कर लिया। सेकंड मेरा फेवरेट, जो मेरा वेडिंग फेवरेट मैं बोल सकती हूँ, मैं कोई भी अच्छे इंपॉर्टेंट इवेंट में जाती हूँ तो हमेशा मैं यही कंसिडर करती हूँ, ये मिलानी का कंसील परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर। ये कहता भी है 2-in-1 बिकॉज इसकी एक्चुअल में कवरेज बहुत अच्छी है, प्रॉपर फुल कवरेज आपको देता है। मेरा इसमें शेड है 04 मीडियम बेज, जो अगेन मुझे थोड़ा सा डार्क फील होता है, मतलब ये कहने के मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच होता है और ये थोड़ी देर बाद अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो मेरी स्किन को ही काला कर देता है। सो व्हाट आई डू, आई मिक्स बोथ ऑफ दीज फाउंडेशन टुगेदर बिकॉज दोनों एकदम फुल कवरेज है, ये हल्का सा डार्क है, ये हल्का सा लाइट है, तो ये दोनों मिलकर ना बहुत अच्छा मेरी स्किन टोन के ऊपर वर्क करते हैं। आप डेफिनेटली ले सकते हो, इसका MRP 1400 है, लेकिन हॉक मेकअप एक वेबसाइट है वहां पर आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, 1100-1100 समथिंग का मिल जाएगा और ये आपको नायका पे 550-600 का मिल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो, दोनों ही ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप होता है कंसीलर। अब आप बोलोगे करेक्टर यूज कर लिया, फाउंडेशन यूज कर लिया तो कंसीलर ही क्या जरूरत है। देखो करेक्टर से हमारे एक्ने मार्क्स पिगमेंटेशन चले गए ताकि हमें फाउंडेशन ज्यादा भरना ना पड़े। उसके बाद जो आप फाउंडेशन के एक इवन लेयर लगाते हो ना स्किन के ऊपर, आपकी ना फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, जो हॉलोस थे वो एकदम दिखते नहीं है, कॉन्टोर आपका कहीं ना कहीं चला जाता है। तो वापस अपने फेस को थोड़ा बहुत शेप देने के लिए ना हम हाईलाइटिंग कंसीलर का यूज करते हैं। इसीलिए जो मैं कंसीलर इस स्टेप में यूज करती हूँ वो हाईलाइटिंग वे में होते हैं, उनका शेड हल्का सा लाइट होता है मेरी स्किन के लिए। तो ऐसे कंसीलर कभी भी आपने स्किन टोन से मैचिंग नहीं लेते, एक या दो शेड आपको लाइट लेना चाहिए। सो इनको मैं लगाती हूँ अंडर आईज पे, नोज के ऊपर, इस एरिया में, कॉन्टोर के बिल्कुल नीचे। काफी बार तो मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग करती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कॉन्टोर शेड नहीं अप्लाई करती, मैं नीचे एक हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करती हूँ जिससे ऊपर एक कॉन्टोर अपने आप बन जाता है। सो कंसीलर के लिए अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे अफोर्डेबल में आता है स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर, लव्ड बाय ऑल, आजकल तो ये काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, सबका ये फेवरेट है। इनफैक्ट इन्होंने अपने रेट्स भी बढ़ा दिए बिकॉज ये इतना अच्छा सेल हो रहा है इस टाइम। आई थिंक ये 180-190 समथिंग था, फिर 200-220 पे इसका प्राइस आ गया, बट स्टिल इट इज वर्थ एवरी पेनी। बहुत अच्छा कंसीलर है, अच्छे से आपके डार्क सर्कल को भी कंसील कर देता है। अगर आप खाली कंसीलिंग वे में यूज करना चाहते हो तो आपने शेड का ले सकते हो, मैं शेड यूज करती हूँ 02 सैंड सेबल, ये बहुत अच्छे से हाईलाइटिंग कंसीलर का मेरे लिए काम करता है। और इसी का थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड का कंसीलर रिकमेंडेशन है मेरे पास, ये मेबलिन फिटमी का, इसका ही मेरा सेम शेड है 20 सैंड। सो दोनों ही शेड जो है वो सैंड नाम है दोनों का, ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है। फिटमी रेंज आपको अमेजोन नायका में बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, वेरी वेरी नाइस। मैं तो अपने कॉलेज टाइम पे भी यही यूज करती थी। अगर आपको खाली कंसीलिंग करनी है ना, आपका मन नहीं है फाउंडेशन और लगाने का, तभी भी आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो, दोनों अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से कहीं ना कहीं वर्थ इट है। अब आ रही है हमारा मेकअप सेट करने की, बिकॉज घर में जब भी आप मेकअप करते हो आपको हमेशा लूज पाउडर से अपना मेकअप सेट करना चाहिए। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप ले सकते हो, लेकिन आप उसको कैरिंग पर्पज के लिए यूज करना, घर में हमेशा मेकअप अपना सेट किया करो लूज पाउडर के साथ। सो सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास मार्स का ये ट्रेंड सेटिंग लूज पाउडर, बहुत अच्छा है लूज पाउडर, आई थिंक अफोर्डेबल के हिसाब से तो वर्थ एवरी पेनी है। मैं इसका शेड यूज करती हूँ बनाना, बनाना शेड एकदम परफेक्ट है मेरी जैसी इंडियन स्किन टोन के लिए। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, बहुत स्लीक है, आप इसको कैरी भी कर सकते हो अपने बैग्स के अंदर।
पाउडर, अगर आप लूज पाउडर से अपना मेकअप सेट करना प्रेफर करते हो, यहाँ पर एक स्पंज आता है जो अच्छा खासा मोटा स्पंज है, लाइक लिटरली आप इससे अपना फाउंडेशन भी सेट कर सकते हो। अगर आप अपना फाउंडेशन किसी ब्लेंडर ब्रश से नहीं लगाना चाहते, नॉर्मली हाथ से फाउंडेशन लगाओ और फिर जब इससे सेट करोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका फेस कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। इसमें ऐसे होल दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है, तो आप इजिली अपना फेस सेट कर सकते हो। हल्के से एक्सपेंसिव है, मेरे पास है मेरा ऑल टाइम फेवरेट लूज पाउडर मेबेलिन फिट मी का, ये लूज फिनिशिंग पाउडर, लव इट। आई थिंक ये एक लौता ऐसा लूज पाउडर है जो कवरेज बहुत अच्छी देता है, मतलब अगर आप बीबी क्रीम या कंसीलिंग भी हल्की हल्की कर लोगे ना, फाउंडेशन भी मत लगाओ, आप इससे वेट स्पंज से भी इसको पिकअप करके ऐसा अप्लाई करोगे ना, ये कवरेज देगा आपके स्किन के ऊपर, अमेजिंगली डार्क स्पॉट्स एंड ऑल को भी हाइड कर देता है। बहुत अच्छा लूज पाउडर है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये वर्थ एवरी पेनी है। मैंने जो शेड लिया है वो है 25 मीडियम। ऑनेस्टली ये हल्का सा ना मुझे मतलब एग्जैक्ट मेरी स्किन जैसा शेड फील होता है, तो अगर मैं इससे अंडर आइज को बेक करती हूँ ना तो मुझे इतना मजा नहीं आता, बिकॉज मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर में एक लाइट शेड यूज किया था। अब इसका जो शेड है वो एग्जैक्टली मेरी स्किन जैसा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब ये लूंगी ना मैं एक शेड लाइटर ही लेने वाली हूँ, वो शायद मेरी स्किन के लिए बेटर वर्क करेगा। बट ट्रस्ट मी बोथ ऑफ देम आर बेस्ट, अपने बजट के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। अब बात की जाए कॉम्पैक्ट पाउडर की, बिकॉज लूज पाउडर तो आप घर में यूज कर लोगे, लेकिन एक कॉम्पैक्ट पाउडर आपको हमेशा अपने बैग में कैरी करना है। आप जब शादियों में जाओगे, शादी के बाद को भी फंक्शंस एंड ऑल में जाओगे, आपका मेकअप कहीं ना कहीं ग्रीसी हो जाएगा, केकी हो जाएगा, तो आपको दो चीजें हमेशा कैरी करनी है। सबसे पहले एक स्वेट एब्जॉर्बिंग टिश्यू, ये मिसक्लेयर वाला बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली ये ले सकते हो, और उसके साथ आपको कैरी करना है कॉम्पैक्ट। तो अगर कॉम्पैक्ट में आपको दो ऑप्शन दूंगी, सबसे सस्ता जो आता है मेबेलिन फिट मी का ही कॉम्पैक्ट वर्जन आता है, आप वो ले सकते हो। मेरा वो बहुत पहले टूट गया था तो मैंने वो थ्रो कर दिया था, बट कुछ इस तरह से वो दिखता है, अमेजिंग। जब इस पे सेल लगती है ना तो ये सुपर सुपर अफोर्डेबल हो जाता है, डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी। और थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये शुगर का प्ले बनाना कॉम्पैक्ट, दिस इज वन ऑफ द रेयर शुगर प्रोडक्ट्स जो मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आया है। आई लव द पैकेजिंग बाय द वे, बिकॉज ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ प्रोडक्ट की कंटेमिनेशन कम से कम हो। जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट आते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट होता है, उसी के ऊपर आप स्पंज रख के बंद कर देते हो, तो वो ना बैक्टीरिया ट्रांसफर का बहुत चांस होता है। इसकी पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगती है, यहाँ पे आपको मिरर मिलता है, यहाँ पे आपका है कॉम्पैक्ट और इसको जैसे आप लिफ्ट करोगे यहाँ पे आपको प्रॉपर एक पफ मिलता है, बिल्कुल मार्स जैसा ही इसका प्रॉपर एक पफ है जो अच्छा खासा थिक है। आप इसको हल्का सा गीला करके एज अ प्रॉपर बेस भी आप इसको यूज कर सकते हो, वैसे वेट में यूज नहीं होता बट थोड़ा बहुत चल जाता है अगर आपको ऐसी डैप डैप करके यूज करना हो। सो ऑलवेज यूज अ कॉम्पैक्ट जब भी आप बाहर होते हो, आपको हल्की फुल्की स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है, पहले वो स्वेट एब्जॉर्बिंग टिश्यू लो और उसके बाद इसको यूज करो, ये आपके मेकअप को भी दोबारा से सेट कर देता है और जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से मेकअप हटना होता है ना वो इसको दोबारा रीटच कर देता है। जाते हैं ब्लश के ऊपर, आई थिंक ब्लश के बिना कोई भी मेकअप लुक इनकम्प्लीट है। मैं जब बहुत पहले मेकअप करती थी ना मैं ब्लश इग्नोर कर देती थी और फेस ना एकदम फ्लैट लगता है। आप थोड़ा बहुत भी मेकअप करो ना ब्लश हमेशा लगाया करो, बहुत अच्छा लगता है। अब आजकल तो लिप एंड चीक टिंट्स बहुत चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, आपका जो फेवरेट लिप एंड चीक टिंट हो आप ले सकते हो, बट मैं आपको प्रॉपर ब्लश यहाँ पे रिकमेंड करने वाली हूँ। सो सबसे सस्ते में है मेरे पास ये स्टे क्वर्की का डबल डेट ब्लश डुओ, ये कुछ इस तरह से दिखता है। सो इसमें एक जो शेड है ना वो बिल्कुल पर्पलिश है, आप देख सकते हो इसका बिल्कुल पर्पल लुक आता है और ये हल्का पिंकी है, तो मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके लगाना प्रेफर करती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है, हल्के से इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, हल्के से हैं जो बिल्कुल भी चीक्स पे इतना दिखते नहीं है, तो ऑलमोस्ट मैं इसको मैट ब्लश ही बोलूंगी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है, पर्पल पे जब सेल लगती है तो स्टे क्वर्की बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। बाय द वे मेरा जो इसमें शेड है वो है मूवी डेट 03, ये शेड एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, आई लव इट। सो इसके बाद हल्के से हाई एंड में और एक्सपेंसिव में मैं बोल सकती हूँ जो मेरा करंट फेवरेट चल रहा है वो है ये फ्लावर ब्यूटी का ब्लश बॉम, आई लव इट। अब क्या होता है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती है तो यहाँ पे टेक्सचर काफी बार बहुत ज्यादा होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, और अगर पाउडर ब्लश यूज करो तो वो अच्छे से सेट नहीं होता। वैसे भी अगर आप हर चीज लिक्विड यूज करोगे ना तो वो ज्यादा लंबी चलेगी, अगर आप शादी के बाद किसी इवेंट में जा रहे हो या फिर आप कोई भी शादी अटेंड करने वाले हो, 5-6 घंटे वाला अगर आपको मेकअप करना है ना मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले लिक्विड ब्लश लगाओ और उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हो, बिकॉज इससे आपका ब्लश कहीं ना कहीं लंबा चलता है। सो ये मुझे काफी पसंद है, ये छोटी सी ट्यूब है बट ट्रस्ट मी ये लंबी चलने वाली है, बिकॉज लिटरली आपको डॉट चाहिए। मैं बहुत कम प्रेशर लगाती हूँ, इसका जो नॉजल है कुछ इस तरह से दिखता है, मैं हल्का सा प्रेशर लगाती हूँ दैट्स इट, और इसको हाथ से ब्लेंड कर देती हूँ। आपकी भी बहुत ज्यादा एक्ने स्किन हो कोशिश किया करो ऐसे प्रोडक्ट्स पिक करो जो डायरेक्टली आप खुद लगा सकते हो हाथ से, बिकॉज आपके हाथ से ज्यादा साफ चीज कुछ नहीं होती, ब्रशेस भी आप ज्यादा धो नहीं पाओगे तो अगेन कंटेमिनेशन का चांस होता है, तो उस सेंस से मुझे काफी अच्छा लगता है। यू कैन यूज इट ऑन योर नोज, ऑन योर चीक्स, और ये प्रॉपर एक पिंक कलर का ब्लश है, इसमें कोई भी
लाइटिंग पार्टिकल नहीं है। बाय द वे जो मेरा शेड है वो है मेलन, ये बिल्कुल परफेक्टली मुझे सूट करता है, एकदम पिंकी पिंकी वाला इसका टोन है। और जाते हैं कॉन्टोरिंग के ऊपर, बिकॉज बहुत ज्यादा फैट आ जाता है और फैट को हाइड करना स्पेसिफिकली अगर कुछ अच्छे इवेंट में जा रहे हो तो जरूरी है, वरना फोटोज ना अच्छी नहीं आएंगी। तो कॉन्टोर के लिए सबसे पहले जो अफोर्डेबल में मेरे पास ऑप्शन है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट, बहुत अच्छा है। मेरा सेकंड पैलेट है बाय द वे, अभी मैंने खोला नहीं है, ये नया है, फर्स्ट वाला मैंने ऑलमोस्ट हिट द पैन हो गया था मेरा। इसका कॉन्टोर साइड बहुत अच्छा है, इसका कॉम्पैक्ट साइड भी अच्छा है। अगर आप लूज पाउडर ही लेना चाहते हो ना, ट्रस्ट मी आप ब्लेंडर से इसका कॉम्पैक्ट साइड पिक करके ऐसे बेकिंग करोगे ना, बहुत अच्छी से बेकिंग हो जाती है। मेरा जो शेड है वो है डुल्स डे लेशे, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, ऐसा कुछ ये दिखता है बेसिकली, बहुत अच्छा, एकदम ग्लाइड्स लाइक बटर। अगर मैं बहामा मामा ब्रॉन्जर का एक सस्ता ड्यूप बोलूंगी ना तो मैं इसी को बोलूंगी। इसका प्राइस है 599, लेकिन ये हॉक मेकअप के ऊपर अमेजोन की डील्स पर बहुत सस्ते प्राइस में मिलता है, काफी बार तो ये 250-300 का भी आपको नायका में मिल जाता है, तो डेफिनेटली वेरी अफोर्डेबल। थोड़ा सा हाई एंड में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो है ये के ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट, और इसको मैं प्रॉपर कॉन्टोर पैलेट बोल सकती हूँ बिकॉज इसमें आपको तीन शेड मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग इज लग्जूरियस, बिकॉज के ब्यूटी की पैकेजिंग जो होती है वो लग्जूरियस ही होती है, फुल साइज आपको यहाँ पे मिरर मिलता है, एंड ये है सारे कॉन्टोर शेड। सो इससे आप अंडर आइज पे हाईलाइटिंग कर सकते हो, इससे आप अंडर आइज को सेट कर सकते हो बिकॉज थोड़ा सा बनाना शेड है, और ये दो शेड आपको कॉन्टोरिंग के लिए मिलते हैं। तो अपनी स्किन अंडरटोन के हिसाब से या फिर थोड़ा सा डार्क करना है लाइट करना है उस हिसाब से कॉन्टोरिंग कर सकते हो। अगेन ग्लाइड्स लाइक बटर, मतलब इतना सॉफ्ट है ना इनका कॉम्पैक्ट पाउडर, आई कांट इवन टेल यू, मैंने एक ही फिंगर से दो में डिप कर दिया, बट यू कैन सी बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है। के ब्यूटी की फॉर्मुलेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये 1100 का आता है, थोड़ा सा प्राइसी है बट सेल पे शायद आपको मिल जाएगा। अगेन दोनों में अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है, सो अफोर्डेबल वर्सेस प्राइसी, द चॉइस इज योर्स। कमिंग टू माई फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप लुक, और वैसे भी जब वेडिंग की बात होती है ये स्टेप आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए, विच इज हाईलाइटिंग। सो सबसे पहला मेरे पास ऑप्शन है ये स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाईलाइटर, माई ऑल टाइम फेवरेट हाईलाइटर, बिकॉज इसमें ना आपको शेड रेंज बहुत अच्छी मिलती है। सो आपने कोई भी मेकअप लुक के हिसाब से पिकअप कर सकते हो, नीचे वालों से आप ब्लश भी यूज कर सकते हो, सो ब्लश हाईलाइटर मिक्स आपको एक तरह से मिल जाता है, ऊपर वाले से आप प्रॉपर हाईलाइटिंग कर सकते हो। ये वाला जो पैलेट है इसका शेड है 02, सो ये 02 आप पिक कर सकते हो, इसमें शेड रेंज आपको बहुत अच्छी मिलती है। ये स्विस ब्यूटी के ब्रिक हाइलाइटर हैं, सेम आपको मार्स में मिलते हैं, आई थिंक मेकअप रेवोल्यूशन ने नायका ने भी ऐसा कुछ निकाला हुआ है, बट फॉर नाउ मुझे स्विस ब्यूटी सबसे अच्छा लगता है व्हेन इट कम्स टू हाइलाइटिंग। और इसी का थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जो मैं बोलूंगी हाइलाइटर रिकमेंडेशन वो है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, जो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आपको खाली एक सिंगल हाइलाइटर मिलता है, बट इट इज वेरी वेरी नेचुरल। अगर आप कुछ बहुत सस्ते में एक नेचुरल हाइलाइटर ढूंढ रहे हो ना तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, सस्ता तो नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अमेजोन की सेल में बहुत सस्ते मिल जाता है। स्विस ब्यूटी के हाइलाइटिंग पार्टिकल फिर भी थोड़े से ना चंकी कभी कभी फील होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल इतने फाइनली मिल्ड है ना, ये बहुत अच्छा एक नेचुरल इफेक्ट देता है। तो अगर आप थोड़ा सा नेचुरल साइड में हाइलाइटर ढूंढ रहे हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। इसका शेड है बाय द वे ब्लॉसम ग्लो, इसका हल्का सा पिंक अंडरटोन है, पिंक सिल्वरिश सॉर्ट ऑफ एक हाइलाइटर होता है ना, ये वैसा वाला हाइलाइटर है। हाइलाइटर भी हमेशा अपने स्किन टोन के हिसाब से लिया करो, अगर आप थोड़े से डार्क साइड हो, आपका व्हीटिश ब्राउन स्किन है, तो आपको गोल्डन बेस हाइलाइटर बोलूंगी, जैसे मेबलिन का मोल्टन ग्लो आता है वो थोड़ा सा गोल्डन बेस्ड है, तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आप थोड़े से व्हीटिश हो, थोड़े से फेयर हो, देन डेफिनेटली आप सिल्वर अंडरटोन या फिर पिंक अंडरटोन के हाइलाइटर ले सकते हो, जैसे ये दोनों जो है वो सिल्वर पिंक अंडरटोन के हाइलाइटर है, ये मेरे स्किन टोन के ऊपर ज्यादा ब्यूटीफुली निकल के आते हैं। सो दीज आर द टू रिकमेंडेशन। नाउ कमिंग टू आवर आई, सबसे पहले आते हैं आई शेडोज के ऊपर। ट्रस्ट मी आई शेडो चूज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज इतनी सारी आती हैं, ऊपर से इतने सारे कलर पैलेट होते हैं, इतने सारे अलग अलग उनके अंदर शेड्स होते हैं, नंबर ऑफ शेड्स का भी फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट स्टिल मैं आपके लिए दो ऑप्शन लेके आई हूँ। सबसे पहले अफोर्डेबल की अगर बात की जाए, मार्स के आई शेडो आर वर्थ एवरी पेनी, ये भी मेरी रिसेंट डिस्कवरी है एंड आई एम लविंग इट। सो ये मार्स के फैंटेसी 15 आई शेडो पैलेट, और मेरे पास जो शेड है वो है 03। आई थिंक ये वाला जो शेड है ये एकदम परफेक्ट है कोई भी ब्राइड टू बी के लिए, या फिर अगर आपके फैमिली में भी कोई वेडिंग होना, लाइक एज एन ओवरऑल वेडिंग फंक्शंस के लिए आई थिंक ये वाला पैलेट सबसे सुंदर है, बिकॉज आपको सारे कलर मिल रहे हैं, जो भी इंडियन आउटफिट होता है ना, चाहे वो येलो थीम का हो, ऑरेंज, हल्का सा ब्लू का टिंट आ गया, पर्पल, ग्रीनिश ब्लू, सारे शेड इसमें आपको मिल रहा है, और एक आपको गोल्डन शिमरी शेड भी मिल रहा है, एक हल्का सा व्हाइट शेड मिल रहा है बेस के लिए। सो ये पैलेट एकदम परफेक्ट है, मैंने आज ही ये पैलेट यूज किया है दिवाली मेकअप लुक के लिए, आई लव इट, ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है। द ओनली थिंग इसके अंदर कोई लाइट वाला शिमरी शेड नहीं है,
वो थोड़ा सा मिसिंग है, बट आई थिंक ये दो वाले जो शिमरी शेड है उनसे काम चल जाता है। अनदर बेस्ट थिंग अबाउट दिस पैलेट इज इसमें ब्लैक मैट एक शेड आता है। बहुत कम ऐसे पैलेट होते हैं जिसके अंदर आपको ब्लैक कलर का मैट शेड मिलता है, इसमें आपको मिल रहा है। सो इसको आप हल्का सा ब्रश को गीला करके एक आई लाइनर वाला इफेक्ट भी दे सकते हो। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वाला आई शेडो पैलेट सबसे अच्छा है। सेकंड जो ऑप्शन है मेरे पास हल्के से प्राइसी में, वो है फेसेस कैनेडा का अल्टाइम प्रो आई शेडो पैलेट। ये सबसे ज्यादा मेरा यूज होने वाला पैलेट है। जो भी मैं इंडियन लुक्स करती हूँ ना, मैं इसी से करती हूँ मेजरली। इनफैक्ट इसका जो ये लाइट वाला शेड है ना, इसी से मैं हाईलाइटिंग करती हूँ। तो जब भी आप मेरे से वीडियोज में पूछते हो ना कि आपने कौन सा हाईलाइटर लगाया, मैक्सिमम केस में ही मैं ये वाला शेड यूज करती हूँ एज अ हाईलाइटर। एंड ट्रस्ट मी, इट इज बेटर देन एनी हाईलाइटर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। लाइक लुक एट दिस, इतना फाइनली मिल्ड और इतनी अच्छी शाइन देता है ना। मतलब हल्का सा ऐसे नोज पे टच करा दे एंड योर नोज शाइन्स। अगर आप हल्का फुल्का मेकअप करते हो, आप कम मेकअप करते हो, आपकी शादी होने वाली है, स्टिल आपको कुछ ना कुछ हाईलाइटर में लेना है, मैं आपको बोलूंगी आप यही पैलेट लो। इसका ये वाला लार्ज शेड आप यूज कर सकते हो। बाय द वे इसका नाम है न्यूड। ये वाला कलर पैलेट है, ये न्यूड कलर पैलेट है, वन ऑफ द बेस्ट पैलेट, बिकॉज ये सारे जो शेड है इससे आप कोई भी इंडियन लुक क्रिएट कर सकते हो। ब्राउन स्मोकी आईज, आपके जो गोल्डन टोन के कपड़े होते हैं, हल्के से सिल्वर टोन के, इजिली इससे आई लुक क्रिएट हो जाती है। आई नो थोड़ा सा मेसी लग रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा मैं यही वाला पैलेट यूज करती हूँ। हाईलाइटर के सेंस में, इन सेंस ऑफ योर आईज, आई थिंक ये सारे काम कर देता है। सो वर्थ एवरी पेनी। कमिंग टू लिक्विड आई लाइनर्स, बिकॉज पर्सनली मेरे लिए कोई भी आई लुक इनकम्प्लीट है जब तक मैं ऐसा छोटा सा या कोई बड़ा सा ड्रामेटिक सा विंग आई लाइनर नहीं बनाती, बिकॉज मैं फेक आई लैशेज नहीं लगाती। और आप वो फॉल्स लैशेज नहीं लगाते ना, तो आपकी आईज बहुत ज्यादा अधूरी लगती है, आपको फिर लाइनर लगाने की जरूरत पड़ती है। सो मेरे पास अगेन दो ऑप्शन है। सबसे पहले सबसे सस्ता और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ये ईबा हलाल का लॉन्ग स्टे लिक्विड आई लाइनर। वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस लिक्विड आई लाइनर इज द ब्रश टिप। मतलब अगर आप बिल्कुल पतले से पतला विंग आई लाइनर बनाने वाले हो ना, इससे इतना ब्यूटिफुली बनेगा, बिकॉज इसकी ब्रश वाली टिप है, ये फेल टिप नहीं है, ये ब्रश टिप है। और इतनी ज्यादा थिन, आप इससे बिल्कुल थिन लिक्विड लाइनर भी विंग आई लाइनर क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप बिगनर्स होना, प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से वर्थ इट। ये स्टे भी अच्छे खासे टाइम के लिए कर जाता है, ज्यादा स्मज नहीं होता, अच्छे खासे टाइम के लिए चल भी जाता है। सो वर्थ एवरी पेनी। इसका हल्का सा हाई एंड जो हल्का सा एक्सपेंसिव में ऑप्शन बोलूंगी वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। आई नो मैं बार बार बोल रही हूँ ऐसे वर्ड्स, बट मेरे कहीं ना कहीं ये सारे फेवरेट्स रहे हैं, तो मैं ऐसे वर्ड्स बार बार बोलती रहूंगी। ये मेरी थर्ड या फिर फोर्थ बॉटल होगी। मैं अपने कॉलेज टाइम में भी जब डांस सोसाइटी में थी, मैं यही आई लाइनर यूज करती थी। कितना भी पसीना आ जाए, कितनी भी आपकी आईलिड्स वेट हो, ये बिल्कुल हिलने नहीं वाला, बहुत अच्छे से स्टे करता है। अगेन इसकी भी ब्रश वाली टिप है। इसकी ईबा कंपैरिजन में हल्की सी मैं थिक बोलूंगी, लेकिन इसकी भी टिप बहुत अच्छी है। इसकी फेल टिप नहीं है, ये भी ब्रश टिप है। मुझे पर्सनली ब्रश टिप ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू फेल टिप। इनसे जो विंग है ना, वो बहुत अच्छा निकल के आता है। बोथ द ऑप्शंस आर बेस्ट। ये हल्का सा मैट में मैं इसको बोलूंगी, ये शाइन लाइन है तो हल्का सा ये मैट इफेक्ट नहीं देता, थोड़ा सा शाइनी लुक देता है। तो दोनों अपने लुक के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू मस्कारा, बिकॉज एज ए सेड फॉल्स लैशेज नहीं लगाते, तो एक अच्छा मस्कारा लगा लोगे ना, तो एक फॉल्सीज वाला थोड़ा बहुत इफेक्ट आ ही जाता है। सो मैं बिल्कुल अफोर्डेबल में बोलूंगी वो है ये नायका का कर्ल पावर वाटर प्रूफ मस्कारा। लव इट। आई डोंट नो ये इतना अंडर रेटेड क्यों है, बट ये बहुत अच्छा है। द ओनली रीजन आई लव दिस मस्कारा इज द शेप। मेरी क्या है, मेरी हुडेड आईज है। हुडेड आईज माने आईज बहुत ज्यादा अंदर है, बिकॉज मैं स्पेक्स पहनती हूँ। जो बहुत ज्यादा स्पेक्स पहनती है लड़कियां, उनकी कहीं ना कहीं आईज हुडेड हो जाती है। तो हुडेड आईज में क्या होता है, जब आप नॉर्मली मस्कारा लगाते हो, आपकी लैश से आप जब ऐसे अप्लाई करते हो, वो सारा ऊपर टच हो जाता है। सो इसके लिए आप एक टूल भी खरीद सकते हो, ये अमेज़न पे मिलता है, ये मस्कारा एप्लीकेटर टूल है। इससे को भी आप लगा के ऐसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मस्कारा हमेशा मैसी लगता है। अदरवाइज मुझे इसकी शेप बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक कर्व है, लाइक यू कैन सी द कर्व। सो इस कर्व की वजह से मैं इसको ऐसे रखती हूँ और फिर ऐसे अप्लाई करती हूँ, तो इससे बिल्कुल भी वो इधर उधर टच नहीं होता। और इसकी जो शेप है ना, इससे बहुत अच्छा एक कर्लिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर नायका की सेल भी आती है, इट इज़ वर्थ इट। अफोर्डेबल भी है, अच्छा भी है, वाटरप्रूफ भी है, और मेकअप रिमूवर से इजीली हट भी जाता है। सेकंड जो हल्की से एक्सपेंसिव है मेरे पास ऑप्शन है, वो है लॉरियल का लैश पैराडाइज। वो नीचे मेरे पास रह गया, मैं ऊपर लाना भूल गई। लव इट। वो भी मेरे पास रिसेंटली पीआर में आया था, मैं ट्राई करने वाली थी, बिकॉज इतनी क्या हाइप है उसकी, जो लोग इतनी बात कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज वर्थ इट। उसका जो पूरा शेप है वो बहुत अच्छी वॉल्यूम ऐड करता है। सो इससे क्या एक्सट्रीमली वॉल्यूम नहीं ऐड होती, एंड पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ सच काइंड ऑफ मस्कारा। मुझे ना इतनी हैवी भी लैशेज नहीं अच्छी लगती, बहुत फेक लगती है। अगर कोई आपके पास खड़ा होगा ना, बहुत फेक लुक आती है, और मैं ऐसा कोई मेकअप करना प्रेफर नहीं करती जो बहुत ज्यादा हैवी फील होता हो। तो ऐसे मस्कारा मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ जो लाइट हो, एट द सेम टाइम एक अच्छा लॉन्गिंग लाइक अच्छे लॉन्ग लैशेस का इफेक्ट भी दे। लेकिन वो जो लॉरियल का लैश पैराडाइज है ना, वो हल्का सा एक वॉल्यूमनाइजिंग इफेक्ट देता है। वो आपकी लैशेस को थोड़ा सा हैवी वॉल्यूम उसको देगा। तो अगर आपकी बिल्कुल खत्म लैशेस हैं, आप उस पर थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप वो लैश पैराडाइज ले सकते हो। उसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई थिंक इट इज वर्थ इट। नायका की सेल पे आपको और सस्ते मिल जाता है। एंड
फाइनली कमिंग टू सेटिंग आवर फेस, बिकॉज कितना भी मेकअप लगा लो, चाहे लाइट लगाओ हैवी लगाओ, अगर मेकअप सेट किए बिना चले गए ना, सारा मेकअप आपका बर्बाद हो जाएगा. सो आई हैव टू रिकमेंडेशन अगेन. सबसे सस्ते में आता है ये स्विस ब्यूटी का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विटामिन ई. द ओनली कॉन इसकी फ्रेग्रेंस मुझे पसंद नहीं है, इसमें से ना सैनिटाइजर वाली खुशबू आती है, तो अगर आप उस पार्ट को इग्नोर कर दो अदरवाइज ये बहुत अच्छा है. 249 समथिंग रुपीज का आता है एंड आई थिंक उसके हिसाब से तो वर्थ इट. सबसे सस्ता जो इंडियन मार्केट में मेकअप फिक्सर होगा ना वो यही हो सकता है. अदरवाइज जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो है ये निक्स के मेकअप सेटिंग स्प्रेस. ये मेरे पास अभी ड्यूई फिनिश वाला है, इनका मैट फिनिश वाला भी आता है जो मैंने पूरा खत्म कर दिया है. सो आप चूज कर सकते हो, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन आप चाहते हो एकदम मैट वाली लुक है तो आप इनका वो ब्लैक वाला मैट फिनिश ले सकते हो. लेकिन अगर आपको लगता है आपको हल्की सी ग्लोई वाली ड्यूई वाली फिनिश चाहिए, आप नहीं चाहते आपका मेकअप एकदम मैट हो जाए, तो आप ये वाला ले सकते हो. मैं पर्सनली ये वाला ज्यादा प्रेफर करूंगी अगर मैं वेडिंग मेकअप की बात करती हूँ, बिकॉज वो शिमर हाईलाइटर कहीं ना कहीं शाइन करना चाहिए. तो आप ड्यूई फिनिश ले सकते हो, इससे आपकी स्किन ग्रीसी नहीं होती, मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है और कहीं ना कहीं आपके फेस के ऊपर एक ड्यूईनेस आती है. इसको आपने ब्यूटी ब्लेंडर पे भी स्प्रे करके अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो, उससे आपका फाउंडेशन और अच्छा सेट होता है. फटाफट से टूल्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज मैं प्रॉपर ब्राइडल मेकअप किट की बात कर रही हूँ तो मेकअप ब्रशेस भी तो लोगे. सो आईज की अगर मेकअप ब्रश की बात आती है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये वाले मेकअप ब्रशेस. ये स्टार्ट मेकर्स कोई ब्रांड है अमेजोन के ऊपर, बहुत अच्छे हैं ये, प्राइस पॉइंट के हिसाब से वर्थ इट. आपको बिल्कुल भी हाई एंड वाले आई शेडो ब्रशेस लेने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी ये सेट एकदम परफेक्ट है. इसमें आपको सारे ब्रशेस मिल जाते हैं. मैंने अभी जो दिवाली मेकअप लुक क्रिएट किया है ना, मैंने इसी ब्रश किट से किया है. सो आप वेट करना, आप उसमें देख सकते हो मैंने कौन कौन से यूज करे. आपको फ्लफी ब्रश मिलता है ब्लेंडिंग के लिए, फ्लैट शेडर मिलता है हल्का सा फ्लैट में लेकिन थोड़ा सा फ्लफी में मिलता है, दो आपको ब्लेंडिंग के लिए मिलते हैं जो हल्के से नैरो है, देन एक फ्लैट शेडर भी मिलता है, एक बिल्कुल पेंसिल ब्रश भी मिलता है. सो ये सेट एकदम परफेक्ट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से. अगर आप प्रॉपर आई मेकअप करने वाले हो ना तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो. कमिंग टू फेस ब्रशेज, आप अमेजोन से ऐसे ब्रश सेट ले सकते हो, ये काफी वायरल है, आपको बहुत सारे अमेजोन पे ब्रांड्स में दिख जाएंगे. मेरे अब सारे घिस चुके हैं बिकॉज मैं इसको काफी साल से यूज कर रही हूँ, मेरे पास अब खाली ये चार बचे हैं. सो इसके अंदर आपको शायद पांच आईज के लिए मिलते हैं जो इतने वाओ नहीं है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े ना, तो मेरे को इनसे आईज पे मजा नहीं आता. मैं इनसे हाईलाइटिंग कर लेती हूँ थोड़े बहुत इधर उधर, अंडर आई पे कंसीलर यूज करने के लिए इन ब्रशेस को यूज कर लेती हूँ. अदरवाइज इनके फेस ब्रशेस अच्छे होते हैं, लाइक ये कर्व वाला ना, तो आप इससे कॉन्टोरिंग कर सकते हो, ये कॉन्टोरिंग के लिए एकदम परफेक्ट है. ये एकदम फ्लैट कबूकी ब्रश है तो आप इससे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो. आई थिंक ये सस्ते भी हैं और चल भी जाते हैं, अगर आप प्रॉपर वो मुआ वाला मेकअप नहीं करना चाहते, आप काम चलाओ या फिर लाइक मैं भी काम चलाऊ मेकअप नहीं करती, मैं अच्छा खासा मेकअप करती हूँ, मेरे हिसाब से ये ब्रशेस एकदम ठीक है. अदरवाइज आप रियल टेक्निक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल टेक्निक्स के मेकअप ब्रश सेट भी काफी अच्छे होते हैं. और इसके अलावा जो मेरा फेवरेट ब्रश है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का ब्रश. वेट एंड वाइल्ड के भी ऐसे सिंगल सिंगल ब्रशेस आते हैं, मैं इसे ब्लश अप्लाई करती हूँ, मेरा ब्लश काफी अच्छी तरीके से इससे अप्लाई होता है. सो आप वेट एंड वाइल्ड के भी ये वाले सिंगल ब्रशेस ले सकते हो. लेकिन अगर मैं बजट में बात करूंगी तो डेफिनेटली अमेजोन की ब्रश किट एकदम परफेक्ट है. जाते हैं ब्लेंडर्स के ऊपर, तो सबसे सस्ता जो मेकअप ब्लेंडर है ना वो मैं मिनीसो का बोलूंगी, 200 रुपए का आता है. उसके साथ आपको बाहर का केस भी मिलता है जिसमें आपने ब्लेंडर को स्टोर करके भी रख सकते हो, बहुत सॉफ्ट है, उसमें आप पानी में पूरा एब्जॉर्ब करके पूरा बड़ा हो जाता है, अच्छे से वर्क भी कर लेता है. सो 200 रुपए के हिसाब से बेस्ट ब्लेंडर मैं उसको बोलूंगी. अदरवाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैं बोलूंगी ये एल्फ का कैमो कंसीलर स्पंज. ये बिल्कुल आपको अभी छोटा लग रहा होगा बट पानी एब्जॉर्ब करने के बाद इतना बड़ा हो जाता है, इतना सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा स्क्विशी एकदम स्पंज है. सिंस ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना तो मेकअप को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है. बट मैं एक स्पेशल तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ जो आप उस दिवाली वाले ट्यूटोरियल में देखोगे, उससे मेकअप कम से कम एब्जॉर्ब होता है, वो ज्यादा से ज्यादा फुल कवरेज आपके फेस को देता है. बट सीरियसली आई थिंक थोड़ा सा पैसा आप खर्च करने वाले हो और एल्फ पे कोई डील आ रही हो ना, डेफिनेटली चेक इट आउट. टॉकिंग अबाउट लिपस्टिक, लिपस्टिक की भी नेवर एंडिंग वैरायटी है बिकॉज न्यूड, पिंक, ब्राउन, रेड, बहुत भरमार होती है लिपस्टिक की. उसकी शायद मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए होगी आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना. अदरवाइज अगर हम ब्राइड टू बी की ब्राइडल मेकअप किट की बात करें तो रेड लिपस्टिक के बिना तो कोई भी किट अधूरी होती है. सो मेरे पास दो ऑप्शन है. सबसे पहला जो है वो एग्जैक्ट ड्यूब है मैक रूबी वू का. मैं सून वीडियो बनाने वाली थी, टाइम नहीं मिला मुझे, इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स बनानी थी बिकॉज मुझे मैक रूबी वू का एग्जैक्ट ड्यूब मिल गया है. सो ये जो शेड है वो है पॉप रेड 14, स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक है. बाय द वे ये खुद भी हुडा ब्यूटी की जो लिपस्टिक है उनका ड्यूब है. मैंने पूरा इनका जो शेड रेंज है ना उसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हो. आप सारे स्वॉचेस आप देख सकते हो लिप एंड हैंड्स के. बट ये जो शेड है ये एग्जैक्ट ड्यूब है मैक रूबी वू का. यू कैन सी प्रॉपर वाला जो रेड शेड होता है ना, मतलब
एग्जैक्टली मैंने सोच किया था मैं सून आपको दिखाने वाली हूँ, ए टू जेड पूरा ये मैच होता है रूबी वू से। सो अगर आप कुछ अफोर्डेबल में ढूंढ रहे हो ये काफी अच्छा है। सेकंड मेरे पास जो एक रेड शेड का ऑप्शन है वो है लैक्मे 925 का क्रिमसन सिल्क। सो ये जो 925 वाली लिपस्टिक्स है ना ये वेटलेस मैट मूव लिप एंड चीक कलर है, तो आप इनको अपने चीक्स पर भी यूज कर सकते हो एज अ ब्लश, बट अदरवाइज दीज आर वेरी कंफर्टेबल। मैं दोनों फॉर्मुला जो आपको दिखाए हैं ना ये बिल्कुल भी लिप्स को चैप नहीं करते, लिप्स क्रैक नहीं होते, सो एकदम परफेक्ट है इवेंट्स के लिए। सो दिस इज हाउ क्रिमसन सिल्क लुक्स लाइक, यू कैन सी बहुत प्यारा रेड शेड है। एंड ये वाला जो फॉर्मूला है ना लैक्मे का बहुत अच्छा है, एकदम नरिशिंग है लिप्स के लिए, एकदम बटर की तरह ग्लाइड होता है, कंफर्टेबल भी है। सो ये दोनों रेड शेड्स एकदम परफेक्ट है फॉर अ ब्राइडल मेकअप किट। तो ये थे मेरे रिकमेंडेशन फॉर अ प्रॉपर ब्राइडल मेकअप किट और अ ब्राइड्स मेड मेकअप किट। आपकी मर्जी है, ब्राइडल वाले सारे ले सकते हैं, ब्राइड मेड्स वाले थोड़े बहुत ले सकते हैं, जो भी उनके स्टेप्स में मिसिंग हो वो ये पिकअप कर सकते हैं। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नायका के सेपरेट लिंक्स मिल जाएंगे और अमेजोन का मैं प्रॉपर एक स्टोर लिंक बना दूंगी, उसमें जाओगे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स इजिली विजिबल होंगे, तो आप हमेशा के लिए शॉप कर सकते हो। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अदरवाइज प्लीज कॉमेंट बिलो कि कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया मेरे से जो मुझे बताना चाहिए था इसमें, वो भी अगर कुछ मिस आउट होगा तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। सो कमेंट करके बताना है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही नहीं रही। आप अपने होली ग्रेल बता सकते हो कि आपके मेकअप फेवरेट्स कौन से हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सब्सक्राइब करते जाना।